बेशर्मी की हद होती है। हम अपने वादे से मुकर जाएं तो लोग हमको बेशर्म ही न कहेंगे। अब हम उस कुर्सी को नहीं छोड़ें, फेविक्विक से चिपका कर बैठे हुए हैं, लाज शर्म तो है नहीं हमको। जो जनता से वादा किए वो वादा एक भी नहीं निभाए हैं, वो आरएसएस का वादा था और आरएसएस के वो लोग हैं और आरएसएस का वादा पूरा किए हैं। जिस तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट्री के मंत्री और प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया कि नहीं मैं नकारा हूँ, मैं अपने वादों को नहीं माना हूँ, नहीं किया हूँ और अपनी जनता को खुश नहीं किया हूँ अपने वादों से, तो मैं इस्तीफा दे रही हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे महापुरुष थे, उन्होंने बैन लगाया था आरएसएस पर। उस समय क्या था उसका गतिविधि, खुद आरएसएस का बंदा आकर कहता है कि मैंने यह जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि मैंने यह बम विस्फोट किया, मैंने यह हिंसा कराया। अब इससे बड़ा एविडेंस क्या होता है? अगर वक्त है, वक्त के अनुसार वो इस्तीफा दे दें तो पूरे देश के लोग उनको माफ कर देंगे। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लीज़ ट्रस ने अपने पद से कल इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान में एक अलग तरीके का माहौल बन गया। लोग उस इस्तीफे के बाद से ये कह रहे हैं कि हमारे भी तो प्रधानमंत्री हैं, कई वादे किए, लाखों वादे उनके फेल हो रहे हैं, फिर वादे कर रहे हैं और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे साथ भीम आर्मी के नेता सिवान जिला अध्यक्ष हैं रवि आचार्य जी। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री हैं जो वादा पूरा नहीं करने पर इस्तीफा दे दे रहे हैं और एक हमारे प्रधानमंत्री हैं। देखिए, ब्रिटेन एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया पर राज किया है, सबसे पहला चीज। आज भी ब्रिटेन के बहुत सारे अधिकार भारत में फॉलो किए जाते हैं, है ना। ब्रिटेन ने पूरी दुनिया पर राज किया और अपनी गलतियों को दुनिया से माफी मांगा, है ना। तो वो समझ रहा है कि मानवीय मूल्य भावना क्या होती है, मानवता को किस पैमाने पे तोला जा सकता है। लेकिन भारतीय इतिहास की राजनीति उठा कर देख लीजिएगा तो जैसे ही राजनीति के दायरे में लोग चले जाते हैं, वो किसी भी पद पे, प्रधानमंत्री के पद पे, वो अपनी गरिमा को भूल जाते हैं और प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। आप अगर 15 लाख की बात कीजिएगा ना, 15 लाख की बात कीजिए, जब प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि हम हर भारतीयों के खातों में 15 लाख, तो वो जुमला हो जाएगा। जब आप बात कीजिएगा कि सर वो 15 लाख क्या हुआ, तो कह देंगे कि हम मजाक कर रहे हैं। तो ये मजाकिया राजनीति हो रही है भारत के पार्लियामेंट में, तो उसके सबसे प्रमुख दावेदार होते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और यही बात है कि भारत के लोगों से उनको लेना देना तो है नहीं। अगर वो सच्चे अपने वादों पर मुखर रहते हैं तो आज जिस तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट्री के मंत्री और प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया कि नहीं मैं नकारा हूं, मैं अपने वादों को नहीं माना हूं, नहीं किया हूं और अपनी जनता को खुश नहीं किया हूं अपने वादों से, तो मैं इस्तीफा दे रही हूं, तो आज प्रधानमंत्री अपने वादों से पीछे हट रहे हैं और देश को बहुत नीचे ले जाने का। अभी रुपया गिर रहा है ना जी, बोले थे कि रुपया को हम बढ़ाएं, नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो गया, फिर कंफ्यूज हो रहे हैं। ये एक टेक्निकली एजेंडा है, लोगों के कहने का नजरिया। मंत्री ने कहा कि डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया नहीं गिरा। तो ये क्या होता है, माइंड सेटअप करने की जरूरत लोग होती है। मतलब कि रुपया नहीं कहेंगे, डॉलर कहेंगे कि डॉलर बढ़ा, तो लोगों का ध्यान रुपया पर नहीं जाएगा। रुपया को कह देंगे तो लोग रुपया यहाँ चलाते हैं भारत में, जैसे ही सोचेंगे कि मेरा रुपया हल्का हो गया तो गद्दी हल्का कर देंगे। ये मेंटलिटी है लोगों की, सोच पर अपने बातों को किस तरीके से थोप देना, यहाँ राजनीति में बैठे लोग शोध कर रहे हैं। उसमें से प्रधानमंत्री भी एक ऐसे हैं और निर्मला सीतारमण भी वैसी हैं। प्रधानमंत्री का वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जब गुजरात के सीएम हुआ करते थे, तब उनका कहना था कि रुपया जहाँ का गिरता है, समझिए कि उस देश का रुपया नहीं गिर रहा है। सुनिए पहले क्या कह रहे हैं। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन का बैठा, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। जब वो गुजरात के सीएम थे तब का है, और उसके बाद उनका एक और स्पीच आया था उसी में, जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे।
इवन भारत सरकार जो चीजें लाते हैं भेजती है उसको सहना मुश्किल हो जाए। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे 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 देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया। जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो ऐसे बोल रहे थे रुपया को लेकर के, जैसे लग रहा था कि इनके आते ही रुपया मजबूत हो जाएगा, डॉलर के मुकाबले हम लोग मजबूत हो जाएंगे तो हमें निर्यात करने में, खरीदने में, बेचने में अमेरिका और जहां भी डॉलर चलता है मजबूती प्रदान होगा। कौन कारण है इसका कि प्रधानमंत्री स्लिप कर जाते हैं, तुरंत अपने वादे से ऐसे घूम जाते हैं ये लोग कि लोगों को पता भी नहीं चलता है और लोग बर्बादी की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिए ये जो अभी बातें हो रही हैं, इन लोगों को भारतीय इकोनॉमिक से कोई बहस नहीं है, अर्थव्यवस्था से मतलब है नहीं। इनको एक ऐसी राजनीति चाहिए जिसमें राजतंत्र की स्थापना हो, मतलब मोदी जी जो कह दिए वो कह दिए, जनता माने या ना माने वो मतलब नहीं है। जनता की क्या होनी चाहिए, जनता को क्या सुख सुविधा होना चाहिए, जनता का वैल्यू और भारत की अर्थव्यवस्था की वैल्यू कहाँ पहुँचानी चाहिए ये नहीं मानेंगे। यहाँ इससे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन साहब थे, डॉक्टर साहब, और इकोनॉमिकल कंडीशन को भारत को बेहतर बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। विश्व गुरु नहीं ना बना रहे थे भारत को, विश्व गुरु बना रहे हैं। हाँ तो विश्व गुरु दिखाई नहीं दे रहा है, गरीबी के रेखा में भारत का स्थान देख रहे हैं ना, 100 से नीचे चला गया है। यहाँ भुखमरी इतनी स्थिति है कि उसका आकलन विश्व के लेवल पर कितना चला गया है इसको नहीं देखा जा रहा है। यहाँ बेरोजगारी देखिए, हर घर में 4 लोग जरूर मिलेंगे बेरोजगार, ये क्या हो रहा है। अग्निवीर बना रहे हैं नौजवान कर सेना को, जवान कर रहे हैं, अग्निवीर बना रहे हैं कि ठीका पर दे रहे हैं, पूरे सेना को ठीका पर दिया जा रहा है। वो सपना कहाँ जाएगा उस सैनिक का, युवा सैनिक का, जो अपनी पूरी 10 वर्ष 15 वर्ष का तपस्या लगाता है, दौड़ता है, फानता है, कूदता है, पढ़ता है कि भारत को मैं एक क्षत्रिय की तरह सम्मान दूंगा, उसका रक्षा करूंगा, इस देश के लिए मर मिट जाऊंगा, मेरे देश पर आँच नहीं आने दूंगा, उस भावनाओं को तो लोग कुचलने का काम कर रहे हैं। अग्निवीर के नाम पर अग्नि में वीरों को डाला जा रहा है, समझ रहे हैं ना। यहाँ के देश इतना मजबूत हो गया है कि चाइना, पाकिस्तान, नेपाल थरथर कांप रहा है एकदम प्रधानमंत्री के आने के बाद। एक 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 बयान दे देना प्रधानमंत्री, चाइना के खिलाफ एक दे दे बयान, हम अभी मान जाएंगे कितना मजबूत है हमारा देश। एक बयान दे दें नहीं बोल पाएंगे, एकदम नहीं बोलेंगे, एक जुबान नहीं बोल पाएंगे। कोई मंत्री बोल दे चाइना के खिलाफ जो कैबिनेट में बैठा हुआ है सेंट्रल में, विदेश मंत्रालय का कोई मंत्री बोल दे, मैं ये चैलेंज देता हूँ कोई नहीं बोलेगा। गलवान घाटी में कौन पैर पसार रहा है पूछिए वहाँ के सेना से। आप लोग प्रेस से हैं, आप मीडिया हैं, आप देश की आवाज़ को उठाते हैं, आप जाइए गलवान घाटी में देखिए कितना चाइना वहाँ पे अपना। आपको लग रहा है कि मीडिया जो है देश की आवाज़ उठा रही है? मेन स्ट्रीम मीडिया को मैं नहीं मान रहा हूँ, उस मीडिया को मैं मीडिया कह रहा हूँ जो सोशल मीडिया से जुड़कर आप जैसे नौजवान साथी इस देश के गरीब गुरबा और तमाम समस्याओं की आवाज़ उठाकर लोकसभा और विधानसभा तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वो मीडिया तो खरीदी हुई मीडिया है, डीडी भारती का न्यूज़ चैनल चलता था पहले, समाचार आता था 7 बजे आता था ना जी, आज डीडी भारती नहीं दिख रहा है, डीडी नेशनल नहीं दिख रहा है, केवल पर दिख रहा है ना बहुत धार धार के लोग दिख रहा है, जी न्यूज दिख रहा है, एबीपी न्यूज दिख रहा है, आवाज नहीं उठाता है, दिख रहा है। तो ये लोग कौन है, ये कौन है, जी न्यूज का मालिक कौन है? सुभाष चंद्र है ना जी, राज्यसभा में है, आज बोल रहे कि तुम सरकार के खिलाफ दिखा दे। टेंडर मिलता है इन लोगों को, पैसा मिलता है, ऐसे नहीं लोग काम करता है। देश का जो अपना चैनल था उसको तो इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, राजनीति नेताओं ने अपना बीएसएनएल बर्बाद कर दिया। एक बंदा अगर आज कोई बात कर रहा है उसका अगर
प्लान खत्म हो जाए टेरिफ प्लान बात करने का। वो सोच रहा है कि मिडिल मैन का अगर बच्चा है, मिडिल क्लास का अगर परिवार का, वो सोच रहा है कहाँ से हम रिचार्ज कराएंगे। जो BSNL पूरे देश को एक कनेक्टिंग इंडिया का नाम देता था, आज कनेक्टिंग इंडिया नहीं, डिसकनेक्टिंग इंडिया हो गया। हम लोग बात कर रहे थे प्रधानमंत्री के इस्तीफे को लेकर के, कि वादा किए पूरा नहीं किए, तो आप क्या मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री को रहना चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से? बेशर्मी की हद होती है। हम अपने वादे से मुकर जाएं तो लोग हमको बेशर्म ही ना कहेंगे। अब हम उस कुर्सी को नहीं छोड़े, फेविक्विक से चिपका कर बैठे हुए हैं, लाज शर्म तो है नहीं हमको। प्रधानमंत्री वादा किए थे राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गया, त्रिपल तलाक पर कानून लाइए, अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? यही चीज है ना, हिंदू राष्ट्र की तरफ देश बढ़ रहा है। एकदम हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, वो तो चाह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हो, हमको हिंदू राष्ट्र तो चाहिए ना। वादा तो सारा पूरा करिए दिए, अब छोटा मोटा वादा रह गया। वो वादा उनका वादा नहीं था। वो जो जनता से वादा किए वो वादा एक भी नहीं निभाए हैं। वो RSS का वादा था और RSS के वो लोग हैं और RSS का वादा पूरा किए हैं। कौन RSS? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र, राष्ट्र के लिए काम करती है एकदम, राष्ट्र के लिए करती। अभी PFI देशद्रोही हो गई है, और उससे पहले क्या कहते हैं हमारे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे महापुरुष थे, उन्होंने बैन लगाया था RSS पर। उस समय क्या था उसका गतिविधि? खुद RSS का बंदा आकर कहता है कि मैंने यह जिम्मेदारी ले रहा हूं कि मैंने यह बम विस्फोट किया, मैंने यह हिंसा कराया। अब इससे बड़ा एविडेंस क्या होता है? तो उस आतंकी संगठन से अगर कोई नेता जाएगा तो जनता के मुद्दों का क्या कहते हैं कि जनता से वादे जो किए हैं वो थोड़ी पूरा करेगा। उसका तो एजेंडा बेंच ऑफ थॉट में है। ग्वालकर का वो विचारधारा का आदमी है, वो सावरकर के विचारधारा के लोग हैं। वो लोग कभी सोचे हैं देश के हित में? नहीं सोचे हैं। आप क्या चाहते हैं, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें? एकदम देना चाहिए। अगर वक्त है अभी दे दें तो बहुत है। उनको नमन करूंगा मैं कि अभी दे दें। अभी भी देश उनको माफ करने पे तुला हुआ है, माफ कर देगा। अगर वक्त है, वक्त के अनुसार वो इस्तीफा दे दें तो पूरे देश के लोग उनको माफ कर देंगे। फिर राष्ट्र को बचाएगा कौन? राष्ट्र बचाने के लिए वोट दिया गया। राष्ट्र बचाने के लिए आप हैं, हम हैं, और यहाँ के नौजवान साथी है। इस देश में 43 करोड़ नौजवान साथी हैं और बुजुर्ग हैं, इस देश को चला लेंगे। आपको जरूरत नहीं है, आप जाइए। आप बोले थे ना कि झोला उठा के चल दूंगा जिस दिन देश ठीक से नहीं चलेगा। आज हर बेरोजगार, हर नौजवान परेशान है। आप झोला उठाइए और चले जाइए। तो रवि आचार्य का मानना है कि PM मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि लाख इनके ऐसे वादे हैं जो पूरा नहीं हुए हैं। चाहे वो 15 लाख रुपए का हो, हर साल 2 करोड़ रोजगार की दावा हो, गरीबी खत्म करने की बात हो, और हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में चढ़ाने की वादे हो, तमाम वादे से फेल हो गए हैं प्रधानमंत्री। इनको भी तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, जैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। आपका क्या मानना है कमेंट करके बताइए। फेसबुक को देख रहे शेयर कीजिए, यूट्यूब देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।